हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक स्पेनिश मूवी को जिसका नाम है द कॉप्स ऑफ हेना फ्रिज, हिंदी में बोले तो एना फ्रिज की लाश। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस एना है जिसकी मौत एक पार्टी के दौरान अचानक हो गई थी और उसकी लाश को अब मुर्दा घर में लाया जाता है। फिर हम एक तरफ देखते हैं कि दो दोस्त इवान और हावी जो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ इनका दोस्त जिसका नाम पाओ है वह हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है और उस समय पाओ की ही शिफ्ट होती है। इवान, पाओ और हावी तीनों पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पाओ की अभी शिफ्ट खत्म होने में एक घंटा बाकी होता है। इवान और हावी पाओ को लेकर बाहर आता है, जिसके बाद ही तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और पाओ एना के बारे में बात करने लगता है। इवान कहता है कि क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं। पाओ पहले तो ये कहकर मना कर देता है कि ये रिस्की हो सकता है और इसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है, पर एना एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, इसलिए इवान उसे देखने की जिद करने लगता है। उसकी जिद के बाद पाओ मान जाता है और पाओ अपनी जॉब को खतरे में डालकर पाओ एना की बॉडी इवान और हावी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल के निषेध रूम जो कि मुर्दा घर है उसमें ले आता है। यहाँ पर पाओ एक लाश के पास आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही पाओ लाश के कपड़े को हटाने वाला होता है तो इवान और हावी उस लाश को देखकर डर जाते हैं क्योंकि एक बूढ़ी लेडी की लाश थी। दरअसल पाओ इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसके बाद पाओ एना की लाश से कपड़े को हटाता है। एना बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी। इवान उसकी बॉडी से कपड़ा और थोड़ा नीचे हटाने लगता है। उसके बाद इवान एना के बूब्स को छूता है, लेकिन ये सब हॉबी को डिस्गस्टिंग लगता है। मतलब एक लाश के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इवान जानबूझकर हॉबी को भी ऐसा करने के लिए कहता है और हॉबी के हाथ को जबरदस्ती पकड़कर एना के बूब से टच कर देता है। हद तो तब पार हो जाती है जब इवान कहता है कि उसे एना के साथ एक बार सेक्स करना है। हॉबी इवान से ऐसा करने के लिए मना कर देता है, लेकिन इवान इधर जिद पर अड़ जाता है। इवान ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि फिर उसे कहां कोई फेमस एक्ट्रेस के साथ ये सब करने के लिए मिलेगा, भले ही वह चाहे मरी हो या फिर जिंदा। पाओ कहता है कि उसने भी एक बार लाश के साथ सेक्स किया था और वो 17 से 18 साल की थी। अब पाओ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, सिर्फ हावी ही था जिसे ये सब गलत लग रहा था। जिसके बाद हावी और पाओ दूसरे रूम में आ जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है, जिसके बाद पाओ जाता है और एना के साथ सेक्स करने लगता है। काफी देर सेक्स करते हुए पाओ को बिल्कुल पता नहीं चलता कि एना जिंदा हो गई है, लेकिन जैसे ही पाओ को पता लगता है कि एना जिंदा है तो वो बहुत जोर से चीखता है, जिसके बाद इवान और हावी उसके पास आते हैं। पाओ उन दोनों को बताता है कि एना अब जिंदा हो गई है। एना की जिंदा होने की खबर से वे दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि एना को पता है कि उसके साथ रेप हुआ है जो इवान और पाओ ने किया है। दोनों सोचते हैं कि अगर एना जिंदा रही तो पुलिस को सब बता देगी कि उसके साथ मुर्दा घर में क्या हुआ है। इवान एना को मारने की प्लानिंग करने लगता है, पर हावी एना की मदद करता है और उसे कपड़ा पहना देता है। हावी इवान की बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि इवान कैसे किसी का कत्ल कर सकता है। हावी कहता है कि तुमने उसका रेप किया था और इसके अंजाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, और इस बात पर इवान और हावी में झड़प होने लगती है। इवान हावी को काफी पीटता है, पर पाओ हावी को बचाता है। इवान को बाद में रियलाइज होता है कि उसने हावी के सर को बहुत जोर से मार दिया है, जिसके बाद उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। ये दोनों हावी को ट्रीटमेंट देने की सोचते भी हैं। तभी एक और कर्मचारी जो लाश लेकर आता है उसे देखकर ये तीनों छिप जाते हैं और ये कर्मचारी लाश को रखकर वहां से बाहर चला जाता है, पर जाने से पहले वो मुर्दा घर को बाहर से लॉक कर देता है। ये बात इवान और पाओ को तभी रियलाइज हो जाती है कि मुर्दा घर अब लॉक हो चुका है, जिस वजह से वो तीनों बाहर नहीं जा सकते और ना ही हॉबी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह काफी समय बाद अचानक से जिंदा हो गई थी, इसलिए उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे और हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद इवान और पाओ एना और हावी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और पाओ एक कलीग को फोन करता है और उससे कहता है कि वह मुर्दा घर में लॉक हो गया है, इसलिए वह जल्दी से वहां पर आए और उसे वहां से निकाले। इसके बाद तीनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे, जिसके बाद पाओ का कलीग आता है तो एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन इवान एना का मुंह दबा देता है। इसके बाद पाओ अपने कलीग से मुर्दा घर की चाबी ले लेता है और बाहर चला जाता है। इधर हावी सांस नहीं ले रहा होता है, तभी उसे देखकर इवान पैनिक हो जाता है और एना कहती है कि शायद वह मर गया है। कुछ देर बाद पाओ वापस आ जाता है तो उसे भी हावी की मौत का पता चलता है। पाओ इमोशनल हो जाता है। इवान उसे दिलासा देता है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। एना उन दोनों से कहती है कि इन सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है तू अपना मुंह बंद रख। इवान पाओ को बाहर लाता है और प्लान बनाता है कि अगर हम दोनों पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना होगा। इधर अंदर एना अपने स्ट्रेचर से
अपने आप को नीचे गिरा लेती है और हॉबी की पॉकेट से फोन निकालकर मदद के लिए फोन लगाती है। तभी इवान और पाव अंदर आ जाते हैं। एना के हाथ में फोन को देखकर इवान एना से फोन छीन लेता है। इवान फोन की स्क्रीन को देखता है तो उस पर एक नंबर दिखाई देता है। एना ने उस फोन से किसी को कॉल लगा दी है लेकिन बात नहीं हो पाई थी। तभी इवान और हावी एना को कहीं और ले जाने लगते हैं तो हावी के फोन पर कॉल आती है। इस फोन से ही एना ने कॉल किया था। अब ये फोन इवान के पास था। जैसे ही इवान फोन उठाता है तो एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन पाओ उसका मुंह बंद कर लेता है। दरअसल एना ने जो कॉल की थी वो अपने पिता को की थी और अब वह बैक कॉल उसके पिता की ही थी। वो ही उसे फोन कर रहे थे। इवान रॉन्ग कॉल बोलकर फोन काट देता है। इवान एना को लेकर मुर्दा घर में आ जाता है और जोर से थप्पड़ मारता है। एना उसे कहती है तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान उससे कहता है कुछ घंटे पहले तुम लाश थी इसलिए तुम अब वापस से लाश बनने जा रही हो। तभी दोनों एना को बाहर ले जाने के लिए एक कंटेनर देखते हैं जिसमें वह हॉबी की लाश को ठिकाने लगा सके। पाओ एना के हाथ पैर बांधने लगता है। एना पाओ से कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक झूठा है और उसी ने ही हॉबी को मारा है। पाओ कहता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट थी। एना कहती है नहीं, जब तुम अपने कलीग के साथ मुर्दा घर से बाहर चले गए थे तो इवान ने ही हॉबी का गला दबाया था और हॉबी मर गया था। पाओ अब सोचने पर मजबूर हो जाता है लेकिन तभी पाओ एना का मुंह टेप से बंद कर देता है और हावी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर एना घसीटते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल आती है। दूसरी ओर इवान कंटेनर लेकर आता है। इधर पाओ हावी का खून साफ कर रहा होता है। इवान पाओ को बताता है कि एना भाग गई है और दोनों एना को खोजने लगते हैं। एना एलिवेटर से भागने ही वाली होती है तभी एलिवेटर बंद होने लगता है लेकिन इवान एलिवेटर को बंद करने से पहले रोक लेता है और एना को खींचकर वापस मुर्दा घर में ले आता है। पाओ हावी से कहता है कि क्या तुमने हावी को मारा है। इवान कहता है मैंने नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। पाओ कहता है कि नहीं, तुमने ही हावी का गला दबाया था। इवान इस पर हिचकिचाने लगता है और कहता है कि ये झूठ है, तुम्हें एना का भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पाओ इवान प्लान बनाते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कि कोई सबूत ना रहे और इवान पाओ को एना को मारने के लिए कहता है। पाओ इवान को उसे मारने के लिए कहता है और एक कपड़ा लाता है लेकिन इवान पाओ को कपड़ा वापस कर देता है और पाओ को ही एना को मारने के लिए कहता है क्योंकि इस पूरे क्राइम का हकदार इवान अकेले नहीं बनना चाहता, इसलिए इवान पाओ को एना को मारने के लिए कहता है। पर इवान ही पाओ के हाथ को जबरदस्ती पकड़कर एना के मुंह पर रख देता है और इवान एना के पैर पकड़ लेता है जिससे गला दबने की वजह से एना का यूरिन निकल जाता है और ये कपड़ा नहीं हटाते जिससे एना एक बार फिर मर जाती है। ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी की बॉडी को कंटेनर में रखते हैं। इवान कंटेनर ले आता है और चला जाता है। पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और दूसरी तरफ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाता है। इधर पाओ ने एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया है, इसके बाद उसकी बॉडी पर कपड़ा डाल देता है। जाने से पहले पाओ एना के मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है तो एना जिंदा होती है। पाओ उसे कहता है कि शांत रहना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब एना मर चुकी है तो वह फिर एक बार कैसे जिंदा हो गई। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एना जब हावी की मौत का सच पाओ को बताती है तब पाओ और एना इवान के खिलाफ एक प्लान बना लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इवान सबूत मिटाने के लिए उसे जरूर मारेगा। इसलिए जब एना का दम घुटने ही वाला होता है तो पाओ एना को मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है। एना जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती है वो मरने की बखूबी एक्टिंग करती है। इधर इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया जिसके बाद इवान और पाओ जाने लगते हैं और जाने से पहले इवान एक बार अपना पर्स चेक करने लगता है। इवान देखता है कि उसकी आईडी कार्ड उसमें नहीं होता और इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दा घर में वापस आने लगता है। उसे पाओ रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान उसकी नहीं सुनता और मुर्दा घर में आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि एना जिंदा है। एना को जिंदा देख इवान पाओ को देखता है और उस पर गुस्सा करने लगता है लेकिन तभी उसे हावी की मौत याद आ जाती है इसलिए वो पाओ को नहीं मारता और उसे छोड़ देता है। तभी एना इवान को चाकू मार देती है और उससे इवान के गले को फाड़ देती है और इवान की मौत कुछ देर बाद हो जाती है। पाओ कहता है कि हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एना पाओ को भी उस चाकू से मार देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।